जब 10 किलोमीटर स्टार्ट होने वाला था उसके एक दिन पहले मुझे तो नींद ही नहीं आई। मुझे 10 किलोमीटर भागना है, मुझे क्या फर्स्ट आना है। बहन ने मुझे टारगेट दिया था कि तुम अगर 10 किलोमीटर भागना चाहती हो तो तुम मुझे विनर बनकर दिखाओ। मैं जब क्रॉस कंट्री से आई तब मेरे सर ने मुझे इसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं कराया। सिर्फ मुझे स्प्रिंट कराते थे, 300 मीटर 400 मीटर की कराते थे। तो मुझे वही डर लग रहा था कि मैं 10 किलोमीटर कैसा भागूंगी मैराथन में। जब जैसे ही रेस स्टार्ट हो गई वैसे सब मेरे आगे निकल गए। तो मुझे लगा मेरा क्या होएगा, मेरे से आगे सब निकल गए, अब मैं क्या करूँगी क्या करूँगी। जब मेरा 3-4 किलोमीटर हो गया था तब उसके बाद मैंने स्पीड खींचना चालू किया। फिर बाद में मैंने 3 को 4 को ऐसा बीट करते करते आगे निकल आए। पर मुझे पता नहीं था कि मैं फर्स्ट पे चल रही हूँ। मेरा टाइमिंग, मुझे 39 का टारगेट था पर उतना नहीं ला पाई तो इतना अच्छा नहीं लगा। तो भी 44 ठीक है, नेक्स्ट टाइम 39 लाऊंगी। मेरे इधर आंटी लोग बोलती है सब करके तुझे क्या मिलेगा, ये सब मत करो, जाओ तुम्हारी मम्मी अकेले काम करती है, तुम भी जाके काम करो, थोड़ा हेल्प करो मम्मी की। तो मेरे मन में यही रहता है अगर मैं कुछ आगे, अगर मतलब मैं करियर में कुछ कर लूँगी तो फिर मुझे मम्मी की तरह झाड़ू पोछा का काम नहीं करना पड़ेगा। आगे जाके अगर मैं किधर पुलिस भर्ती में ट्राई किया रनिंग के वजह से, तो अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो गई तो मेरी ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी और मेरी आगे की जनरेशन भी सेट हो जाएगी। मम्मी पापा भी अच्छे से रहेंगे और उनकी अच्छे से देखभाल होगी। जेंडर इक्वलिटी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लड़की को नहीं। हाँ वो लड़की है, लड़की लोगों को कोई कोई लड़की को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, उसे जैसे काम पे लगा दिया जाता है 10-12 साल की उम्र में। और लड़के लोगों को पढ़ाते हैं, हाँ मेरा लड़का कुछ करेगा और मुझे देगा, मुझे सहारा देगा। पर लड़की लोगों को ऐसे नहीं, लड़के लोगों को काम पे भेजते हैं और उनकी जल्दी ही शादी करा देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से।